विशेषण। इस किताब को पहले मैंने देखा, इसलिए इसे पहले मैं लूंगा। नहीं, इसे मैं पढ़ूंगी। मैं तुम्हें जोर जोर से पढ़कर सुना दूंगी। नहीं, मैं अकेले ही इस किताब को पढ़ूंगा। चीनू मीनू, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? देखो दादी माँ, चीनू मुझे कहानी की किताब नहीं पढ़ने दे रहा। दादी माँ, मैं इस किताब को अपने दोस्त से लेकर आया हूँ, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। यह अच्छी बात नहीं है चीनू। किताबें सभी के पढ़ने के लिए होती हैं। किताबों को मिलजुल कर पढ़ना चाहिए। पहले चीनू पढ़ ले, फिर मीनू तुम पढ़ लेना। अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं पढ़ रहे? अब मेरा पढ़ने का मन नहीं है। फिर किस चीज का मन है? अब तो मैं आपसे पहले एक कहानी सुनूंगा। जाओ, मैं नहीं सुनाती कहानी। तुम भी तो मीनू को कहानी की किताब नहीं देते। अच्छा दादी माँ, अब फिर से ऐसा नहीं होगा। लो मीनू, तुम मेरी किताब पढ़ सकती हो। अब मेरा भी पढ़ने का मन नहीं है। मैं भी दादी माँ से कहानी सुनना पसंद करूंगी। अच्छा, कहानी सुनने के नाम पर दोनों एक हो जाते हो। चलो, आज मैं तुम्हें एक अजीब कहानी सुनाती हूँ, शरीर के अंगों की। शरीर के अंगों की? तो सुनो कहानी। हृदय राम की अध्यक्षता में शरीर के सभी अंग, हाथ, दिमाग, आंख, कान, नाक, पैर आदि एक सभा करते हैं। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पेट की गुलामी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पेट की गुलामी नहीं करेंगे। खामोश हो जाइए। खामोश कैसे हो जाए? मैं हाथ कितना काम करता हूँ। मैं मेहनती हूँ, मेहनत करता हूँ, सड़कें बनाता हूँ, घर बनाता हूँ, खेती करता हूँ, मेहनत मजदूरी करके कमाता हूँ। और ये पेट जो भी मैं कमा के लाता हूँ चुपचाप खा जाता है। अरे भाई हाथ, तुम अपनी अपनी ही कहना जानते हो। थोड़ी देर हाथ जोड़कर चुपचाप रहो। मैं सारे दिन धूप में इधर उधर भटकता हूँ। मैं भी कितना काम करता हूँ। मैं ना हूं तो आदमी एक जगह ही बैठा रह जाएगा। वह कामचोर और आलसी हो जाएगा, बिल्कुल इस पेट की तरह। भूखा, कामचोर और आलसी, पेट की तानाशाही नहीं चलेगी। अरे वाह, पैर भाई, हाथ भाई, अपनी अपनी तुमने बहुत गाई।
अब मेरी भी सुनो, मैं कितनी सुंदर हूँ। इस सुंदर दुनिया को लोग मुझसे ही देखते हैं। मेरे बिना लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं। पेट की तानाशाही नहीं चलेगी। मेरी भी सुनो, मेरे बिना तुम अपना दुखड़ा किसी को नहीं बता सकते। पेट की तानाशाही नहीं चलेगी। मेरे बिना चबाओ गन्ना, खाओ खाना, चबाओ दाना। पेट की तानाशाही नहीं चलेगी। चुप रहो सब, मेरे बिना सब कुछ बेकार, मैं बेकार सब कुछ लाचार। मैं ही सबको सही सलाह देता हूँ। चुप हो जाओ सब, आप सभी का कहना ठीक है कि तुम सभी की कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, मगर पेट के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी ठीक नहीं है। पेट की अपनी विशेषता है, यदि पेट खाना ना पचाए तो क्या होगा? यदि पेट को भूख न लगे तो तुम कितने दिन तक उसके बिना जी सकते हो? सोचो सोचो भाई सोचो। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, सभी चीजों की अपनी कोई न कोई विशेषताएं होती है, हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस तरह सभी अंगों की सभा शांति से समाप्त हुई। वाह दादी, आप इतनी अच्छी अच्छी कहानियां कैसे सुनाती हो? मीनू भी मुझे ऐसे ही उल्टा पुल्टा कहती रहती है। मैं सही कहती हूँ। मीनू, चीनू को मत छेड़ो। चलो तुम्हें इस कहानी से एक बात और जोड़कर बताती हूँ। क्या दादी माँ? जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं।
संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या विशेषणों की बात समाप्त हो गई दादी माँ? नहीं मीनू, एक बात और बतानी है। क्या दादी माँ? तुमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में तो सुना ही है ना? हाँ दादी माँ। कई बार सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है। इसमें संज्ञा शब्द पुस्तक के आगे यह सर्वनाम उसकी विशेषता की ओर संकेत कर रहा है, कोई और पुस्तक नहीं, यह पुस्तक मेरी है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी तरह यह घर राधा का है। घर कौन सा? यह, और कोई नहीं, यह। इस तरह यहाँ भी यह सर्वनाम विशेषण की तरह आया है। एक और बात से तुम समझ सकते हो, जैसे चीनू तुम ये कहो मेरी बहन मीनू खेल रही है, इसमें मेरी सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संकेत कर रहा है, इसलिए इन सब को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। इस तरह हमने देखा कि विशेषताओं का भी अपना महत्व होता है। हाँ दादी माँ, विशेषताओं की भी अपनी विशेषताएं होती है। अलविदा दोस्तों।